1 जुलाई 2023 से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ITR को भरने का काम शुरू हो गया है। सभी साथियों को नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आइए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न को भरने के लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होता है और इस वेबसाइट का एड्रेस है incometax.gov.in। इस वेबसाइट को खोलने पर हमारे सामने ये इनकम टैक्स का होम पेज आ जाता है। अगर आपने इनकम टैक्स में पहले से ही रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर ये रजिस्टर का बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन का बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको अपनी यूजर आईडी भरनी है जो कि आपका पैन नंबर होता है। इसको भरने के बाद यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिक्योर मैसेज के साथ जो ये बॉक्स दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ अपने पासवर्ड को भर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है जो 31 मार्च 2023 को एंड हुआ है, जिसके लिए जो करंट ईयर 2023-24 चल रहा है ये असेसमेंट ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर या 2023-24 के असेसमेंट ईयर के लिए जो रिटर्न भरनी है उसके लिए हम यहाँ फाइल नाउ का जो बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले हमें असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और 2023-24 करंट असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के बटन को प्रेस करेंगे। अगर हमने पहले से ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न इसमें भर रखी है, इनकम्प्लीट है, तो वो यहाँ पर ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि हम पहली बार ही इस रिटर्न को भर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो यहाँ पर कोई ड्राफ्ट सेव नहीं है और हम न्यू फाइलिंग को स्टार्ट यहाँ से करेंगे। न्यू फाइलिंग का यहाँ पर बटन बना हुआ है, इस बटन को हम प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। आप इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भर रहे हैं, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भर रहे हैं, या फिर अदर्स के लिए भर रहे हैं। अभी जो हम चर्चा करेंगे वो इंडिविजुअल के फॉर्म में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो इंडिविजुअली अपनी सबको रिटर्न फिल करनी होती है, तो इंडिविजुअल की कैपेसिटी में हम इस रिटर्न को फिल कर रहे हैं। इंडिविजुअल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें ITR फॉर्म की टाइप को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट ITR फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें ITR 1, 2, 3 और ITR 4 के ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से हम ITR 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड करेंगे ITR 1 के साथ। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये तीन स्टेप दिखाता है कि तीन स्टेप में आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना है। सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी जो डिटेल्स हैं उनको वैलिडेट करना है, दूसरे स्टेप में आपको उसे कंफर्म करना है और तीसरे स्टेप में आपको सबमिट करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड का यहाँ पर बटन दिया हुआ है, जिससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करनी है, क्यों आप इसको फिल कर रहे हैं। तो इसके लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 250,000 की है, यानी कि 250,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 250,000 से कम है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन को प्रेस करेंगे। इसमें बोल रहा है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और कंफर्म करें कि सारी डिटेल ठीक से भरी गई हैं। इसको यहाँ पर हम ओके कर देंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में जो डिटेल्स हैं वो 5 हिस्सों में डिवाइड की गई हैं। इसमें पहला पॉइंट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, दूसरा है ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा है टोटल डिडक्शंस, चौथा है टैक्स पेड और पांचवा है टैक्स लायबिलिटी। इसमें जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं केवल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो लिंक है यही एक्टिवेट होता है, इसके बाद के जो चारों लिंक हैं ये डीएक्टिवेट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टेप बाय स्टेप ही इस रिटर्न को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, वेरीफाई करना है और कन्फर्म करना है। इसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाता है, जिसमें आपका नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर दिया गया है। इसी के साथ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी इसमें दी गई है। अगर ये कॉन्टैक्ट डिटेल ठीक हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर इसमें आपको कोई चेंज करना है तो इसके राइट में एडिट का ऑप्शन दिया गया है, इस बटन को आप क्लिक करेंगे और आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है या रेजिडेंशियल एड्रेस है, इसको आप यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। करेक्ट करने के बाद सेव के बटन को प्रेस करेंगे। इस तरीके से आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं वो एडिट हो जाएंगी।
कॉन्ट्रैक्ट डिटेल को अपडेट करने के बाद यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट करेंगे, जिसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर्स, अदर्स और नॉट एप्लीकेबल, यानी कि फैमिली पेंशन वाले। इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेक्शन बताया जा रहा है कि कौन से सेक्शन में ये रिटर्न फाइल की जा रही है। सेक्शन 139(1) फ्रेश रिटर्न को फाइल करने के लिए है, जो ड्यू डेट से पहले सबमिट की जाती है। तो क्योंकि अभी ड्यू डेट नहीं निकली है तो हम इस रिटर्न को सेक्शन 139(1) के अंदर फिल करेंगे और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इस रिटर्न को न्यू टैक्स रिजाइन में फिल कर रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजाइन में फिल कर रहे हैं। इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो डिडक्शंस का है। नए टैक्स रिजाइन में किसी प्रकार की डिडक्शन को अलाउ नहीं किया गया है, केवल जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस एम्प्लॉय के संबंध में उसी को ही अलाउ किया गया है, बाकी कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, एग्जम्पशंस भी हैं और सेविंग्स की डिडक्शंस भी हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी रिटर्न को पुराने टैक्स के हिसाब से जमा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को नो करेंगे, और अगर आप नए टैक्स के स्लैब के हिसाब से इसको जमा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को नो कर रहा हूँ। इसके बाद आप अपनी बैंक डिटेल्स को यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर जो आपके ऑलरेडी एडिड बैंक अकाउंट होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं कर रखा है तो यहाँ ऐड अनदर का बटन है, इससे आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पर ऐड करेंगे उनमें से किसी एक बैंक अकाउंट को आपको रिफंड के लिए भी सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर यह बटन दिया गया है जो ब्लू कलर में फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर इसको एक बार हम क्लिक करते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है, और दोबारा क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और इसके बाद इस डिटेल को हम कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही ये डिटेल कन्फर्म करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने कन्फर्म्ड का नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे ही पहला पॉइंट कन्फर्म होता है दूसरा पॉइंट जो ग्रॉस टोटल इनकम का है ये एक्टिवेट हो जाता है। इसकी डिटेल्स को कन्फर्म करने के लिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो सैलरी से एग्जेम्पशंस के बारे में आपसे कन्फर्मेशन लेता है। इनमें आपको यस नो के जो ऑप्शन हैं वो सेलेक्ट करने हैं। जहां पर जो पॉइंट दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि अगर आपने टूर या ट्रांसफर पर कोई एग्जेम्पशन लेना है तो उसके लिए आपको यस करना है, और एग्जेम्पशन नहीं लेना है तो इसको नो करना है। अगर आपको कोई स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की छूट लेनी है या हॉस्टल अलाउंस की एग्जेम्पशन लेनी है तो इसको यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है। अगर आप इसको यस करते हैं तो इसके अमाउंट को आपको यहाँ पर फिल करना है, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस में कोई एग्जेम्पशन लेना है तो उसके लिए यस करेंगे और यहाँ पर क्लेम अमाउंट को फिल कर देंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। इसी प्रकार से लीव ट्रेवल अलाउंस में आपको कोई एग्जेम्पशन लेना है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सैलरी इनकम में अगर आपको किसी और प्रकार का एग्जेम्पशन लेना है तो इसको आप यस करेंगे। यहाँ पर जो एग्जेम्पशन दिए गए हैं वो जनरली रिटायरमेंट केस के हैं कि आपको ग्रेजुटी मिली है या लीव एनकैशमेंट मिला है या कंपनसेशन मिला है या कम्यूटेड वैल्यू मिली है पेंशन की, तो उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे जो कि टैक्स फ्री होती है। अगर आपको इसमें से कोई एग्जेम्पशन नहीं लेनी है तो इसको आप नो कर देंगे। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अगर यहाँ पर आपका डाटा फॉर्म 16 जो आपको मिला है उसके डाटा से मैच नहीं करता है तो आपको यहाँ से इसको एडिट करना है। अगर ये सेम आता है तो आपको इसको एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके सेकंड पॉइंट में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई लोन ले रखा है या आप रेंटेड हाउस में रहते हैं उसकी आप छूट लेना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर एड या एडिट के बटन दिए गए हैं। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर तो आप उसको यहाँ पर बोरोड कैपिटल पर जो इंटरेस्ट आपने दे रखा है उस इंटरेस्ट के अमाउंट को इसमें फिल करेंगे। अगर आपने कोई मकान रेंट पर दे रखा है और उससे आपको रेंटल इनकम हो रही है तो उस रेंटल इनकम में से 30% को माइनस करके उस इनकम को यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ से इसको एड कर देंगे। तो कैंसिल करके हम वापस आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंदर आपके जो डिपॉजिट्स हैं, एफडीज हैं, बैंक
बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, या आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, वो इसके अंदर आपको फिल करना है। इसके अंदर आपको फिल करने के लिए यहाँ पर ऐड का बटन दिया गया है, इस ऐड के बटन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये फिर से आपको ऑप्शन देगा, अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है तो इसको हम यस करेंगे और जो इंटरेस्ट आया है उसके अमाउंट को यहाँ पर फिल कर देंगे। दूसरा पॉइंट है आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो FD वगैरह करवाई जाती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए। फैमिली पेंशन से अगर कोई इनकम हो रही है तो इसको यस करके उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड आपको मिला है तो उसको यस करके इसमें फिल कर देंगे। अगर कोई इसके अलावा भी आपको इनकम हुई है तो उसको यस करेंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ लिख देंगे कि किस चीज की ये इनकम हुई है। अगर कोई डिविडेंड की इनकम हुई है तो उसको हम यस करेंगे और यहाँ पर हम उसको फिल कर देंगे। अगर कोई डिविडेंड इनकम नहीं है तो इसको हम नो कर देंगे। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है तो बैक आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपको ग्रॉस टोटल इनकम शो करेगा। ग्रॉस टोटल इनकम में से जो एग्जेम्प्टेड इनकम है उसकी डिटेल को इसके नीचे फिल किया जाएगा। एग्जेम्प्शंस को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड डिटेल्स को हम क्लिक करेंगे। अब हमारा एग्जेम्प्शंस किस प्रकार का लेना चाहते हैं उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दी गई है कि हम एग्रीकल्चर इनकम का है या किसी और रीजन का है। जो सारे रीजन्स इसमें दे रखे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस का है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का है, इनमें से जो भी रेलिवेंट हमारा रीजन है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके अमाउंट को यहाँ पर फिल करके ऐड कर देंगे। इसके बाद लास्ट में आकर के हम यहाँ पर कन्फर्म के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इसको कन्फर्म करते हैं ऐसे ही हमारा जो दूसरा पॉइंट है ग्रॉस टोटल इनकम का, ये कन्फर्म हो जाता है। और इसके कन्फर्म होने के बाद जो टोटल डिडक्शन का फील्ड है ये ओपन हो जाता है। डिडक्शंस को फिल करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें जो सबसे पहले दिया गया है वो डोनेशंस का है। अगर आपने कोई डोनेशन पेड किया है और उसका डिडक्शन चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। यहाँ पर इसके लिए 80G जो फॉर्मेट है उसको फिल करना होगा। अगर आप डिडक्शन के किसी अमाउंट का क्लेम नहीं करते हैं तो इसको नो कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन दिया है तो यस कर देंगे। अगर आप सेक्शन 80GG में कोई डिडक्शन चाहते हैं तो इसको यस करेंगे और उसके अमाउंट को यहाँ पर फिल करेंगे। सेक्शन 80C में आपको कोई डिडक्शन लेनी है तो यस करेंगे, उसके अमाउंट को यहाँ पर फिल करेंगे। 80C के अंदर सेविंग करने की जो लिमिट है वो 1,50,000 रुपए की, तो मैक्सिमम आप इसके अंदर 1,50,000 की डिडक्शन ही ले सकते हैं। अगर आप NPS के अंदर कवर्ड एम्प्लॉय हैं तो आप 80CCD2 में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर यस करना है और उसके अमाउंट को फिल करना है। अगर आप NPS के एम्प्लॉय नहीं है तो इसको आपको नो करना है। सेक्शन 80D जो कि मेडिकल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, इसकी अगर आपको कोई छूट लेनी है तो आप इसको यस करेंगे। इसके लिए आपको शेड्यूल 80D को फिल करना होगा। हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है उसके इंटरेस्ट की जो छूट है वो सेक्शन 80E में मिलती है। अगर आपको ये डिडक्शन लेना है तो इसको यस करेंगे और इसमें जो इंटरेस्ट पेड किया गया है हायर एजुकेशन लोन के ऊपर उसके अमाउंट को यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का डिडक्शन है तो उसके लिए यस करेंगे। यहाँ से हम डिडक्शन की टाइप को सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं वो इस प्रकार से हैं, या आपने पेंशन फंड में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या आपका कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम के अंदर, या फिर आपके ऊपर कोई डिसेबल डिपेंडेंट है, या फिर स्पेसिफाइड डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट का है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लोन के इंटरेस्ट के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 80EE में, जिसकी लिमिट 50,000 की है, उसको आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। एक सर्टेन टाइप की जो कंडीशंस हैं उसके अंदर आपने जो हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है उसके लिए आप 80EEA के अंदर डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने परचेज किया है तो उसकी डिडक्शन को आप 80EEB के अंदर क्लेम कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डोनेशन दिया है तो 80GGC के अंदर क्लेम कर सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट को आप 80TTA के अंदर क्लेम करेंगे, जिसकी लिमिट 10,000 रुपए की है। यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर ग्रॉस सैलरी में ऐड भी करना है और 80TTA के अंदर उसकी छूट भी लेनी है। अगर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 10,000 से इन एडिशन जितना अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। अगर रिटर्न फाइल करने वाला सीनियर सिटीजन है तो वो 80TTB के अंदर अपनी छूट को क्लेम करेंगे। जो पर्संस डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 80U के अंदर 75,000 या 1,25,000 की छूट मिलती है, उसको आप यहाँ पर क्लेम करेंगे। जो भी छूट आपको यहाँ पर क्लेम करनी है उसके लिए आपको इसे चेक करेंगे और इससे रेलिवेंट अमाउंट को यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपको ऐसी कोई डिडक्शन नहीं लेनी है तो सिंपली इसको नो कर देंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करने के बाद जो रेलिवेंट फॉर्म आपको फिल करने होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी छूट लेनी है तो आप रेलिवेंट फॉर्म को ओपन करेंगे और उसके अमाउंट को फिल करके ऐड कर लेंगे। ये सारे अमाउंट ऐड करने के बाद आपकी जो टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। टोटल डिडक्शन भर देने के बाद आप इसको कन्फर्म करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म के बटन को प्रेस करेंगे तो टोटल डिडक्शन का जो पॉइंट है इसके सामने कन्फर्म लिखा हुआ आने लगेगा और टैक्स पेड का जो पॉइंट है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आपने जितने भी टैक्स पेड कर रखे हैं या आपका सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर शो करेंगे। अगर इसकी डिटेल फॉर्म 16 से मैच नहीं करती हैं तो इसकी डिटेल्स को आप ओपन करके इसको एडिट करेंगे। इसमें अगर किसी डिटेल को एडिट करना है तो यहाँ जो चेक बॉक्स दिया गया है इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट के बटन को प्रेस करेंगे और जो भी अमाउंट हमें चेंज करना है उसको यहाँ पर करेक्ट करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ जो टोटल टैक्स पेड का अमाउंट है ये फॉर्म 16 से मैच करने के बाद हम इसको कन्फर्म करेंगे। जैसे ही हम कन्फर्म का बटन प्रेस करते हैं तो टैक्स पेड का जो पॉइंट है इसके ऊपर कन्फर्म्ड लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसको हम ओपन करेंगे। इसमें आपकी जो कैलकुलेशन है वो सारी आ जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी है, कितना आपका टैक्स बनता है। अगर सेक्शन 89 के अंदर आपको कोई टैक्स रिलीफ लेनी है तो इसके लिए आपको फॉर्म 10E भरना होगा। इस रिटर्न को सबमिट करने से पहले आपको फॉर्म 10E को फिल करके सबमिट करना होगा, तभी आप सेक्शन 89 के इनकम टैक्स की रिलीफ को ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे। इस प्रकार से ये जो 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट को एक एक करके हम कंफर्म करेंगे। 5 पॉइंट को कंफर्म करने के बाद हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। रिटर्न का प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पर अब प्रीव्यू रिटर्न का बटन दिया गया है, इसको हम प्रेस करेंगे। इसमें वेरिफिकेशन के लिए जो चेकबॉक्स लगा हुआ है इस चेकबॉक्स को हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू के बटन को प्रेस करेंगे। इस प्रकार से आपकी जो रिटर्न का फॉर्म है ITR 1 ये पूरा फिल होकर के आपके सामने आ जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद इसे हम वैलिडेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। अगर रिटर्न की सारी एंट्रीज एकदम ठीक हैं तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का यहाँ पर मैसेज आता है। इसके बाद हम वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई एरर आती है तो उस एरर को हमें ठीक करना होगा। उसके बाद फिर से हम इसको वैलिडेट करेंगे और जब वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा इसके बाद हम वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शंस हैं, या तो हम साथ के साथ ही ई वेरीफाई कर दें, या फिर दूसरे ऑप्शन में हम इसे 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई कर दें, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि आप इस इनकम टैक्स रिटर्न के एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर सिग्नेचर करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 120 दिन के अंदर पोस्ट कर दें। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको लेना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। मान लेते हैं आपको साथ के साथ ही इसको ई वेरीफाई करना है तो पहले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ई वेरिफिकेशन के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि आधार के साथ जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उसके OTP के थ्रू आप इसको वैलिडेट करें। दूसरा ऑप्शन है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से इसको वेरीफाई करें। तीसरा ऑप्शन है कि नेट बैंकिंग के थ्रू आप EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड को जनरेट करें, या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स के साथ आप EVC को जनरेट करें और उससे इसको वेरीफाई करें, या आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है तो उसके थ्रू आप EVC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड को जनरेट करके उससे वेरीफाई करें। अगर आपके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और उस कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे, इससे भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर आधार पर अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है और उसका OTP पहले से ही आपके पास मौजूद है तो आप इस लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके उस OTP को यहाँ पर फिल करके ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा OTP अभी नहीं है, इसके लिए आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको आप फिल कर देंगे और अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करके आप सबमिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।